हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल द नेक्स्ट डॉक्टर आज हम पढ़ेंगे एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में एंजाइना क्या है एंजाइना इज चेस्ट पेन सेकेंडरी और ड्यू टू स्केमिक मायोकार्डियम स्केमिक मायोकार्डियम एंजाइना को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं स्टेबल एंजाइना अनस्टेबल एंजाइना और प्रिंज मेटल एंजाइना जिसको हम वेजोसपास्टिक या फिर वेरिएंट एंजाइना भी कहते हैं स्टेबल एंजाइना क्या है स्टेबल एंजाइना में पेन जो है वो ड्यूरिंग एग्जर्शन होता है पेन ड्यूरिंग एग्जर्शन इसमें जो ऑक्लूजन होता है आर्टरी में वो मोर देन सेवेंटी परसेंट होता है और ओ टू सप्लाई और डिमांड का मिसमैच हो जाता है अब हम देखते हैं मिसमैच होता कैसे देखिए ये हमारी ब्लड वेसल है और इसमें जो है एथेरो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक जम गया है ये क्या है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक तो इसने क्या किया है कि हमारे यहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा था उसको कम कर दिया है तो ब्लड फ्लो तो कम हो गया है लेकिन जो सप्लाई सॉरी जो डिमांड है वो उतनी की उतनी रह गई क्योंकि मसल्स उतना ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें डिमांड जो है वो उतनी की उतनी रहती है बट जो सप्लाई है वो कम हो जाती है इसकी वजह से इश्कीमिया हो जाता है और जिसकी वजह से चेस्ट पेन होता है अब देखो इसकी जो ई है ई में हमें क्या दिखता है ई मोस्टली नॉर्मल होती है बट एस डिप्रेशन भी देखने को मिल सकता है और ये जो पेन है ये रेस्ट और नाइट्रोग्लिसन के साथ रिजॉल्व कर जाता है अब हम आते हैं पढ़ते हैं अनस्टेबल एंजाइना के बारे में अनस्टेबल एंजाइना स्पाज्म या फिर एथेरो एम्बोलिज्म की वजह से होता है एथेरो एम्बोलिज्म की वजह से होता है एथेरो एम्बोलिज्म क्या होता है देखो ये जो हमने पढ़ा था ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक ये जब टूट जाता है मानो यहाँ से हल्का से ये टूट गया तो इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो हर्ट की स्मॉल वेसल्स के अंदर जाके अटक जाता है और वहाँ की ब्लड सप्लाई को रोक देता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और चेस्ट पेन होता है पर ये हमें ध्यान रखना है इसमें जो चेस्ट पेन होता है वो रेस्ट के टाइम भी होता है और एग्जर्शन के टाइम भी होता है रेस्ट में भी होता है और एग्जर्शन में भी होता है और चेस्ट पेन की जो फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी है वो बढ़ी हुई होती है जो इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ी हुई होती है ठीक अब पेशेंट हमारे पास क्या क्लिनिकल फीचर लेके आएगा सबसे पहले क्लिनिकल फीचर हमें क्या बताएगा वो चेस्ट पेन हो रहा है क्या कंप्लेंट लेकर आएगा चेस्ट पेन हो रहा है और ये चेस्ट पेन रेस्ट पे भी हो सकता है या फिर एक्सर्शन के दौरान पे भी हो सकता है दूसरा लेवाइस साइन के साथ आएगा कौन से साइन के साथ लेवाइन साइन लेवाइन साइन क्या है जो पेशेंट है वो अपना राइट हैंड चेस्ट के लेफ्ट साइड रख के आएगा हर्ट के ऊपर उसको हम लेवाय साइन कहते हैं लेवाइन साइन कहते हैं तीसरा है डायाफोरसिस मतलब स्वेटिंग के साथ स्वेटिंग के साथ आएगा अब पेशेंट को हम आता है देखते हैं उसके एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें इसी जी में क्या दिखेगा इसी जी में एसटी डिप्रेशन देखने को मिल जाता है क्या देखने को मिलता है एसटी डिप्रेशन मोस्ट कंडीशन में एसटी डिप्रेशन दिखता है कभी कभी नहीं भी दिखता है दूसरा क्या देखेंगे हम ट्रोपोनिन्स जो ट्रोपोन आई है वो नॉर्मल होता है ट्रोपोनिन आई जो होता है वो नॉर्मल होता है हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अनस्टेबल एंजाइमना में थ्रोम्बोलिसिस जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है इंडिकेटेड होती है ठीक है हमने क्या पढ़ा था अभी कार्डिक बायोमार्कर्स जो है अनस्टेबल एंजाइना में नॉर्मल रहते हैं नॉर्मल रहते हैं ठीक है अब हम आते हैं आगे हम पढ़ते हैं प्रिंज मेटल या फिर वेजो स्पास्टिक एंजाइना के बारे में ठीक है इसमें क्या होता है कि इसमें जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें स्पाज्म होता है कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म होता है और इसमें जो पेन है वो रेस्ट के टाइम होता है पेन एट रेस्ट इसके जो रिस्क रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं इसके रिस्क फैक्टर होते हैं टोबैको स्मोकिंग पर हमें ये ध्यान रखना है कि हाइपरटेंशन और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया रिस्क फैक्टर नहीं ही होते हैं हाइपरटेंशन एंड हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया आर नॉट द रिस्क फैक्टर ऑफ स्टिक एंजाइना ठीक है पेशेंट के अंदर हमें रेनोड फिन की जो है हिस्ट्री देखने को मिल सकती है रेनोड फिनमिन की हिस्ट्री देखने को मिल सकती है ठीक है इसी जी में हमें क्या दिखेगा? हमें ट्रांजिएंट एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है ट्रांजिएंट एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है ट्रोपोनिन आई जो है वो नॉर्मल रहता है कार्डिय बायोमार्कर्स जो है वो नॉर्मल रहते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है इसका ट्रीटमेंट होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आइजोसोरबाइड मोनोनाइट्रेट टैबलेट और आई वी नाइट्रोग्लिसिन ड्रिप आई वी नाइट्रोगसिन ड्रिप ये जो होती है ये ड्रग ऑफ चॉइस है ड्रग ऑफ चॉइस सो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ फेजो स्पास्टिक एंजाइना इज़ आई वी नाइट्रोग्लिसिन ड्रिप ठीक है अब हम पढ़ते हैं आगे माओकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में देखो अभी तक हमने जो पढ़ा था एंजाइना स्टेबल एंजाइना अनस्टेबल एंजाइना और वेजोस्पास्टिक एंजाइना ये तीनों जो है ये रिवर्सिबल डैमेज कॉज करते हैं ये तीनों रिवर्सिबल डैमेज मायोकार्डियल इन्फॉक्शन क्या होता है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में भी इस तरह का डैमेज होता है बट वो जो डैमेज होता है वो इिवर्सीबल डैमेज होता है इ डेमेज टू कार्डियक टिश्यू ठीक है इसमें भी जो कोरोनरी आर्टरी है उसका या तो वेजो स्पाज्म हो जाता है या फिर ऑक्लूजन हो जाता है ठीक है अब तो हम देखते हैं कि इसका क्लिनिकल फीचर क्या होता है इसमें भी चेस्ट पेन होता है पेशेंट आपके पास कंप्लेंट लेके आएगा चेस्ट पेन का लेवाइन साइन के साथ आएगा पेशेंट लेवाइन साइन के साथ आएगा डायाफोरसिस प्रेजेंट होगी डायाफोरसिस प्रेजेंट होगी ग्रेड थ्री ग्रेड थ्री डिस्प्निया होगा ग्रेड थ्री डिस्प्निया होगा ऑर्थोपनिया पिंक फ्रूथी स्पूटम और जो चेस्ट पेन होगा वो कम से कम तीस मिनट से ज़्यादा होगा मोर देन थर्टी मिनट्स तो हमने क्या क्या देखा चेस्ट पेन लेवाइन साइन डायफोरेसिस ग्रेट थ्री डिस्पनिया पिंक प्रोथी अब जब हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करेंगे तब हमें क्या क्या मिलेगा पेशेंट टेकिकाइडिय होगा मतलब उसकी हार्ट बीट जो होगी वो बढ़ी हुई होगी उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा जेवीपी इंक्रीज होगा और कुस्मॉल साइन प्रेजेंट होगा कुमॉल साइन प्रेजेंट होगा ठीक है अब हमने देखा कि पेशेंट आपके पास आया है चेस्ट पेन के साथ लेवाइन साइन प्रेजेंट है डायाफोरसिस है ग्रेड थ्री डिस्पनिया है ऑर्थोपिनिया है एग्जामिनेशन में हमें टैक्कार्डिक पेशेंट है बीपी बढ़ा हुआ है जेवीपी बढ़ा हुआ है कुस्मॉल साइन प्रेजेंट है तो हम जाते हैं डायग्नोसिस की तरफ तो सबसे पहले हम करेंगे ई सी ई सी जी में जो अर्लीस्ट फाइंडिंग है वो है एस टी सेगमेंट सॉरी जो अर्लीस्ट फाइंडिंग है वो हाइपर एक्यूट टी वेव हाइपर एक्यूट टी वेव व्हाट इज़ द अर्लीस्ट फाइंडिंग इन एम आई इन ई सी जी इट इज़ हाइपर एक्यूट टी वेव अब देखते हैं कि टी वेव की नॉर्मल हाइट कितनी होती है नॉर्मल हाइट कितनी होती है तो जो चेस्ट लीड है चेस्ट लीड में जो हाइट है वो दस एम एम से कम होती है चेस्ट लीड में जो हाइट है वो 10 एम mm से कम होती है वहीं जो अपनी लिम्ब लीड से उसमें जो हाइट है पांच एम mm से कम होती है 10 एम mm से कम इन चेस्ट लीड और पांच एम mm से कम इन लिम्ब लीड तो इसी जी फाइंडिंग्स क्या क्या होगी इसी जी फाइंडिंग्स होगी एक तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन इपर एक्यूट टी वेवस और पैथोलॉजिकल क्यू वेवस या फिर डीप क्यूवेव्स और ये जो डीप क्यू वेव्स है ये लाइफ टाइम परसिस्ट करती है इट परसिस्ट लाइफ टाइम एंड सजेस्टिव ऑफ प्रीवियस या फिर ओल्ड एम आई ठीक है उसके बाद हम देखते हैं जैसे ये ए सी जी है इसमें हमें एस टी एलिवेशन देखने को मिल रहा है वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव ठीक है ये जो एस टी एलिवेशन है इट इज कॉन्वेक्स अपवर्ड्स कॉन्वेक्स अपवर्ड्स इसको हम कहते हैं पार्डी साइन या फिर टॉम स्टोन पैटर्न पार्डी साइन या फिर टॉम स्टोन पैटर्न तो क्वेश्चन आता है पार्डी साइन इज सीन इन या फिर टॉम स्टोन पैटर्न ऑन ईसीजी इट इज एम आई या फिर स्टेमी तो एम आई दो प्रकार की होती है एस टी एलिवेशन एम आई और एन एस्टेमिन नॉन एस्टी एलिवेशन एम आई ठीक है तो हम आगे देखते हैं कार्डिक बायोमार्कर्स में हमें क्या दिखेगा सबसे पहले आते हैं हम में ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी तो जो ट्रोपोनिन्स होंगे वो बढ़े हुए होंगे ट्रोपोनिन्स जो हो, वो होंगे वो बड़े होंगे तो जो ट्रोपोनिन आई है वो बढ़ता है फोर आवर्स में और पीक करता है ट्वेंटी फोर आवर्स में ठीक है ट्रोपोनिन आई जो है वो फोर आवर्स में बढ़ता है और पीक करता है ट्वेंटी फोर आवर्स में जो ट्रोपोनिन आई है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या फिर बोलो तो बेस्ट सेंसिटिव या फिर बेस्ट स्पेसिफिक एंजाइम फॉर एमआई। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या फिर बेस्ट सेंसिटिव और बेस्ट स्पेसिफिक एंजाइम फॉर एमआई इट इज ट्रोपोनिन आई ठीक है अब हम आते हैं सी पी के एम बी के बारे में सी पी के एम बी के बारे में इट इज क्रिएटेड इन फोस् इट इज क्रिएटेड इन फोस्स और ये जो है ये राइज होता है फोर टू सिक्स आवर्स में ये राइज होता है फोर टू सिक्स आवर्स में और पीक करता है ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी फोर ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर आवर्स में तो ये राइज होता है फ़ोर टू सिक्स आवर्स में और पीक करता है ट्वेल ट्वेल्व टू ट्वेंटी फ़ोर आवर्स में लेकिन ये जो है ये फोर्टी एट टू सेवेंटी टू आवर्स के बाद नॉर्मल लेवल पे आ जाता है फ़ोर्टी एट टू सेवेंटी टू आवर्स के बाद ये नॉर्मल लेवल पे आ जाता है अगर सेवेंटी टू आवर्स के बाद भी सी पी के एम बी अगर बढ़ा हुआ है तो इट सजेस्ट ऑफ़ इट इज सजेस्टिव ऑफ री इन इट इज सजेस्टिव ऑफ री इंफॉक्शन एक हम और चीज देख लेते हैं कि हमने ट्रोपोनिन आई पढ़ा था तो ट्रोपोनिन आई की नॉर्मल वैल्यू भी देख लेते हैं व्हाट इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ ट्रोपोनिन आई इट इज जीरो पॉइंट जीरो फोर एन जी एम पर एम एल नो पर एम एल ठीक है और एम आई के लिए ड्रॉप आई की वैल्यू शुड बी एट लीस्ट डबल द वैल्यू शुड बी एट लीस्ट डबल ठीक है अब हम आते हैं एल डी एच के बारे में पढ़ना तीसरा हम कौन सा टेस्ट करेंगे हम एल डी एच करेंगे तो नॉर्मली जो एल डी एच टू का लेवल है वो एल डी एच वन से बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल पर्सन में एल डी एच टू लेवल का एल डी एच टू का लेवल एल डी एच वन से ज़्यादा होता है लेकिन एम आई पेशेंट में लेकिन एम आई के पेशेंट में एल डी एच वन इज मोर देन एल डी एच टू ठीक है तो अगर हम एल डी एच का रेशियो निकालेंगे तो एम के पेशेंट में ये रेशियो उल्टा हो जाता है जिसको हम कहते हैं फ्लिपिंग ऑफ एल रेशियो तो फ्लिपिंग ऑफ एल रेशियो इज सीन इन मायोकार्डियल इन्फैक्शन ठीक है और ये जो एल है इट इज़ लास्ट लास्ट एंजाइम टू राइज इन एम आई इट इज़ लास्ट एंजाइम टू राइज इन एम आई ठीक है तो अभी हम दोबारा देखते हैं हमने क्या क्या किया हमने सबसे पहले ई सी जी की ई सी जी में जो हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा था कि एम आई में ई सी जी की अर्लीस्ट फाइंडिंग जो होती है वो हाइपर एक्यूट टी वेव होती है दूसरा हमने देखा कि एस टी सेगमेंट का एलिवेशन होता है और डीप क्यूवे दिखने को मिलती है डीप क्यूवे देखने को मिलती है और ये जो डीप वेव्स है वो जो है हमें प्रीवियस या ओल्ड एम के बारे में भी बताती है क्योंकि ये लाइफ टाइम परसिस्ट करती है दूसरा हमने देखा कार्डियो कार्डियक बायोमार्कर्स के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट या बेस्ट सेंसिटिव या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या बेस्ट स्पेसिफिक एंजाइम अगर हम देखते हैं तो वो है ट्रोपोनिन आई नॉर्मल वैल्यू किया है ट्रोपोनिन आई की जीरो पॉइंट जीरो फोर पर एमएल एल और एम आई के लिए इट शुड बी एटलीस्ट डबल उसके बाद हमने देखा सी पी के एम बी ये राइज करता है फोर टू सिक्स आवर्स के बीच में पीक पे जाता है ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर आवर्स में और फोर्टी एट टू सेवेंटी टू आवर्स बाद ये जो है ये नॉर्मल हो जाता है अगर सेवेंटी टू आवर्स के बाद भी ये परसिस्ट करता है तो ये किसका सजेस्टिव है इट इज सजेस्टिव ऑफ री इन्फेक्शन ठीक एल डी एच के बारे में हम देखें एम आई में तो एल डी एच टू का रेशियो जो है एल डी एच वन से ज़्यादा होता है लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि एल डी एच टू का रेशियो जो एल डी एच वन से ज़्यादा होता है लेकिन एम आई पेशेंट में एल डी एच वन का रेशियो एल डी एच टू से ज़्यादा होता है जिसे हम फ्लिपिंग ऑफ एल डी एच रेशियो कहते हैं ठीक है और एल डी एच जो है एम आई में लास्ट एंजाइम टू राइज है तो अब हम देखेंगे कि कौन सा एंजाइम कब राइज़ करता है कब पीक करता है और उसका फॉल कब होता है तो अगर हम देखें सी पी के एम बी को तो उसका राइज़ जो होता है फोर टू सिक्स आवर्स में होता है फोर टू सिक्स आवर्स में उसका राइज़ होता है उसका जो पीक आता है वो ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर आवर्स में आता है ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर आवर्स में आता है और उसका फॉल जो होता है वो फोर्टी एट टू सेवेंटी टू आवर्स के बीच में हो जाता है अगर सेवेंटी टू आवर्स के बाद भी यसिस्ट करे तो वो किसका सजेस्टिव है तो वो री इन्फॉक्शन का सजेस्टिव है वहीं ट्रॉप आई और ट्रॉप टी का जो राइज है वो थ्री आवर्स में होता है ट्रॉप टी और ट्रॉप आई का जो राइज है वो तीन घंटे में होता है और ये पीक दोनों ट्वेंटी फोर आवर्स पे करते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स पे दोनों पीक करते हैं ट्रॉप टी का जो फॉल है टेन टू फोर्टीन डेज़ के बाद होता है और वहीं ड्रॉप आई का जो फॉल है वो सेवन टू टेन डेज के बाद होता है ठीक है तो अब हम देखते हैं कि कौन से मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कौन सी ब्लड ब्लड वेसल इन्वॉल्व होती है और उसकी ईसीजी फाइंडिंग क्या होती है तो जो लेटरल वॉल एमआई है उसमें एल सी एक्स आर टी जो है वो इन्वॉल्व होती है और इसमें लीड जो इन्वॉल्व होती है वो वी फाइव वी सिक्स लीड वन और ए वी एल इन चारों में चेंजेस देखने को मिलते हैं वहीं सेप्टल वॉल एम आई में सेप्टल ब्रांचेस जो है वो इन्वॉल्व होती है और जो लीड्स इन्वॉल्ड है इसमें वो है वी वन वी टू लीड वन और ए वी एल इंटीरियर वॉल एम आई में एल ए डी जो है वो इन्वॉल्व होती है एल ई डी इन्वॉल्व होती है और जो ई सी जी फाइंडिंग है वो दिखती है लीड वन सॉरी लीड वी वन वी टू वी थ्री वी फोर लीड वन और ए में वहीं एक्सटेंसिव वॉल एम में जो लेफ्ट मेन कॉरिरी आर्टरी है लेफ्ट मेन कॉरोनरी आर्टरी है वो इन्वॉल्व होती है और इसके जो चेंजेस दिखते हैं वो V1 वन टू वी सिक्स लीड वन और ए में दिखते हैं अगर हम बात करें पोस्टीरियर वॉलमाई की तो इसमें पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है वो इन्वॉल्व होती है और इसमें जो चेंजेस दिखते हैं वो रेसिप्रोकल चेंजेस होते हैं रेसिप्रोकल चेंजेस कैसे होते हैं कि V1 वन टू वी में जो है एस डिप्रेशन देखने को मिलता है वहीं V7, V8 और V9 में जो है एस एलिवेशन देखने को मिलता है तो इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल चेंजेस ठीक है वहीं एन स्टेमी जो है एंटीरियर वॉल की एन स्टेमी है उसमें भी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो एल है वो इन्वॉल्व होती है और इसमें जो V1, V2, V3 टू वी थ्री और वी फोर लीड्स है उसमें एस टी डिप्रेशन देखने को मिलता है वहीं इंफीरियर वॉल एम आई में इंफीरियर वॉल एम आई में जो लीड वन लीड टू और लीड ए वी एफ में चेंजेस देखने को मिलते हैं आइए अब हम ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में पढ़ते हैं तो एनस्टेमी या फिर अनस्टेबल एंजाइना में हम क्या ट्रीटमेंट देंगे एनस्टेमी में हम देते हैं सबसे पहले एंटी कोगुलेंट्स एंटी कौन कौन से हम देते हैं अन फ्रैक्शन या फिर लो वेट हिपेरिन जिसका एग्जांपल है इनोक्सीपेरिन इनोक्सीपेरिन जो है वो सब दिया जाता है सब दिया जाता है इसके बाद हम देखते हैं क्या देंगे हम एंटी प्लेटलेट्स क्या देंगे हम एंटी प्लेटेलेट्स जिसमें हम एस्पिरिन दे सकते हैं एस्पिरिन हम देते हैं 325 सौ पच्चीस पर ओरल लोडिंग डोज फॉलोड बाय 75 फाइव पर डे और साथ में हम देते हैं पी टू वाई ट्वेल्व इन्हीबिटर पी टू वाई ट्वेल्व इन्हीबिटर जिसमें क्लोपिडोग्रेल आ गया प्रासू ग्रिल आ गया और टीका ग्रिलोर आ गया टीका ग्रे आ गया ठीक है तो क्लोपिडो ग्रेल हम देते हैं 300 से 600 सौ लोडिंग डोज फॉलोड बाय 75 फाइव पर डे 75 फाइव पर डे ठीक है वहीं प्रासू ग्रेल और जो टीका ग्रिलोल है ये आजकल प्रिफर किए जाते हैं किस किससे क्लोपिडो ग्रिल के ऊपर प्रीफर्ड ओवर क्लोपिडो ग्रिल ठीक है अब देखो ये जो प्राशु ग्रिल है ये है इंडिकेटेड स्ट्रोक में इट इज इंडिकेटेड इन स्ट्रोक ठीक है अब हम तीसरा क्या दे सकते हैं नाइट्रेट्स तीसरा हम क्या दे सकते हैं नाइट्रेट्स अब देखो नाइट्रेट्स में हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि इसमें हमें एट टू ट्वेल्व आवर्स का जो है नाइट्रेट फ्री पीरियड रखना पड़ता है नाइट्रेट फ्री पीरियड रखना पड़ता है कितना एट टू ट्वेल्व आवर्स का ठीक है अब और हम क्या दे सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स बीटा ब्लॉकर्स एग्जाम्पल प्रोलोल, इसको हम ओरल भी दे सकते हैं या फिर आईवी भी दे सकते हैं और जो टारगेट हर्ट रेट है टारगेट हर्ट रेट है वो हमें रखनी है फिफ्टी टू सिक्सटी बीट्स पर मिनट फिफ्टी टू सिक्सटी बीट्स पर मिनट इसके बाद हम देते हैं स्टेटिंग स्टेटिंग में अटोरवा स्टेटिन अटोरवा स्टेटिन या फिर रोजुवा स्टेटिन या फिर रोजुवा स्टेटिन और लास्ट में हम क्या दे सकते हैं और एस इनहिबिटर्स एस इनहिबिटर्स जो प्रिल वाले हैं लिसिनोप्रिल ये सारे ठीक है तो अगर पेशेंट को हमने क्या कह दिया अभी तक हमने दिया है एंटी एंटीप्लेटलेट्स एस्पिरिन जो है पी वाई पी टू वाई इनिबिटर्स नाइट्रेट्स बीटा ब्लॉकर्स, स्टेटिंगस एस इनिबिटर्स। अगर फिर भी पेशेंट इम्प्रूव नहीं करता है अगर पेशेंट डज नॉट इम्प्रूव तो हम उसका मॉनिटर करेंगे क्या मॉनिटर एस पी ओ टू एंड बी पी और हम देखेंगे टीम स्कोर ठीक है ठीक है टीम स्कोर देखेंगे अगर टीम स्कोर मोर देन और इक्वल टू थ्री है अगर जो टीमी स्कोर है वो मोर देन और इक्वल टू थ्री है तो हम क्या करेंगे हम करेंगे डिलेट डिलेड पर क्यूटे डिलेड पर क्यूटेनियस क्रोनरी इंटरवेंशन डिलेड पर क्यूटेनियस इंटरवेंशन ठीक है अब देखते हैं हम जो स्टेमी पार्ट है उसका ट्रीटमेंट हम देखते हैं जो स्टेमी पार्ट है उसका ट्रीटमेंट हम देखते हैं तो देखो सबसे पहले हम क्या देंगे पेशेंट को आया पेशेंट को हमने ओ दिया ऑक्सीजन ऑक्सीजन कब देते हैं ऑक्सीजन देते हैं जब एसपीओ टू इज लेस देन नाइन्टी परसेंट एसपीओ टू इज लेस देन नाइन्टी परसेंट ठीक है दूसरा हम वही देते हैं क्या टैबलेट एस्पिरिन टैबलेट एस्पिरिन तीन सौ पच्चीस एम जी चुएबल तीन सौ पच्चीस एम बी जी चुएबल टैब क्लोपिडो ग्रेल टैब क्लोपिडोग्रेल कितने एम जी वही थ्री हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड एम जी ये क्या है ये पी टू वाइट वाली इनहिबिटर है और ये प्लेटिलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है तीसरा हम देते हैं सब लिंग नाइट्रोगसरिन सब लिंग बट हमें ये ध्यान रखना है कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 एम एम से कम है इफ़ एस जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 80 एम एम से कम है तो जो सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसिन है वो इंडिकेटेड है एट्टी एम से अगर कम है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो जो सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसिन है वो इंडिकेटेड है ठीक है अब सब लिंगल नाइट्रोग्लिसिन का एक साइड इफेक्ट है उसको हम कहते हैं मंडे लंग सिंड्रोम मंडे लंग सिंड्रोम ठीक है चौथा हम दे सकते हैं मॉर्फिन 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 हम देते हैं पेन के लिए ये सब क्यूटेनियसली दिया जाता है या फिर आईएम दिया जाता है या फिर आईवी भी दे सकते हैं हम इसको अब देखो सिर्फ ये पेन के लिए नहीं दिया जाता है ये पल्मोनरी एडेमा के कंपोनेंट को कम करने के लिए भी देते हैं पल्मोनरी एडेमा के कंपोनेंट को कम करने के लिए भी देते हैं ये एयर हंगर को भी कम करता है एयर हंगर को भी कम करता है इनफैक्ट के साइज़ को भी कम करता है इनफैक्ट के साइज़ को भी कम करता है और पेन को भी कम करता है और पेन को भी कम करता है ठीक है अब देखो हमने क्या दे दिया अभी तक हमने उसको ऑक्सीजन दिया है जब एसपी ओ टू नाइन्टी परसेंट से कम हो एस्परिनोपिडोग्रेल सब लिंग नाइट्रोक्लीसिन मॉर्फिन और इसके बाद हम उसको दे सकते हैं आई वी मेटोप्रोलोल आई वी मेटोप्रोलोल मेटो अब देखो ये क्या करेगा एक तो ये रेट को कम करेगा तो ऑक्सीजन कंज़प्शन को भी कम कर देगा रेट को कम करेगा तो वर्कलोड कम कर देगा ऑक्सीजन कंज़प्शन को भी कम कर देगा और ये इनफॉक्ट के साइज को भी कम कर देगा इनफॉक्ट के साइज को भी ये कम कर देगा देखो और हम क्या दे सकते हैं और हम दे सकते हैं इंजेक्शन इनेक्सीपेरिन इंजेक्शन इनेक्सीपेरिन ये क्या है लो मोलिकुलर वेट Hiperin. मतलब हम क्या दे सकते हैं एंटी एंटी ठीक है Anticoagulants. Anticoagulants. ये सबक्यूटेनियसली दिया जाता है कैसे दिया जाता है सबक्यूटेनियसली दिया जाता है और ये ऑलरेडी फॉर्म्ड ऑलरेडी फॉर्म्ड क्लॉट को इनहिबिट करता है ऑलरेडी फॉर्म्ड क्लॉट को इनहिबिट करता है ठीक है और हम क्या दे सकते हैं देखो अगर पल्मोनरी एडिमा को कम करना है पल्मरी एडिमा को कम करना है उस कंपोनेंट को कम करने के लिए हम आई वी फ्यूरोसेमाइड दे सकते हैं एस इनिबिटर दे सकते हैं और नाइट्रोग्लिसरीन का ड्रिप दे सकते हैं ठीक है पलमरी एडिमा के कंपोनेंट को कम करने के लिए आई वी फ्यूरोसेमाइड एस इनिबिटर और नाइट्रोग्लिसरीन ड्रिप अब ये सब देने के बाद भी पेशेंट जो है वो स्टेबल नहीं हुआ है ये सब देने के बाद भी अगर पेशेंट स्टेबल नहीं हुआ है या फिर हम हमें पेशेंट को कैथ लेब में ले जाना है कैथ लेब में ले जाना है तो कहाँ कैथ लेब में हम क्या प्रोसीजर कर सकते हैं हम कर सकते हैं पर हम कर सकते हैं पर क्यूटेनियस पर क्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन पर क्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन अब देखो ये जो पर क्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन है इट इज सुपीरियर टू इट इज सुपीरियर टू थ्रोम्बोलाइटिक इट इज सुपीरियर टू थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी ठीक है और इसमें डोर टू बैलून टाइम डोर टू बैलून टाइम शुड बी लेस देन वन ट्वेंटी मिनट्स एंड प्रिफरेबली इट शुड बी लेस देन नाइन्टी मिनटरेबली इट शुड बी लेस देन नाइनटी मिनट्स तो ये क्वेश्चन है ठीक है वैसे तो एक सौ बीस मिनट से कम होना चाहिए बट प्रबली इट्स यहाँ प्रिफर करते हैं कि नाइन्टी मिनट से कम होना चाहिए दूसरा हम क्या कर सकते हैं कैथलैब के, में थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी अगर हम विलेज सेटअप में वहां पर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स प्रजेंट नहीं है परक्यूटेनियस कॉरोना इंटरवेंशन के लिए तो फिर उसके लिए हम जा सकते हैं उसके आल्टरनेटिव uh, के लिए थ्रोम्बोलैटिक थेरेपी के लिए ठीक है तो थ्रोबोलैटिक थेरेपी में डोर टू नीडल डोर टू नीडल टाइम जो है शुड बी लेस देन थर्टी मिनट्स शुड बी लेस देन थर्टी मिनट्स ठीक है तो थ्रोम्बोलैटिक थेरेपी में जो हमने देखा है कि डोर टू नीडल टाइम कितना होना चाहिए लेस देन थर्टी मिनट्स एल्टीप्लेस इज प्रीफर्ड इन स्टेमी एल्टीप्लेस जो एजेंट है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है वो स्टेमी में प्रीफर किया जाता है और इसकी जो टी हाफ है वो शॉर्टेस्ट टी हाफ है थ्रोम्बोलेटिक एजेंट विथ शॉर्टेस्ट टी हाफ इट इज एल्टीप्लेस अब हम देखते हैं रेटीप्लेस रेटीप्लेस इट इज यूज इन एक केमिक अटैक इट इज यूज इन अक्यूट स्केमिक अटैक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीकेशन ऑफ थ्रोम्बोलाइसिस मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीकेशन ऑफ थ्रोबोलाइसिस इज ब्लीडिंग क्या है कॉम्प्लीकेशन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीकेशन थ्रोबोलाइसिस का ब्लीडिंग ठीक है तो अब हम देखेंगे कॉन्ट्राइंडेशन ऑफ थ्रोम्बोलाइसिस तो क्या इंडिकेशन है थ्रोम्बोलाइसिस के देखो इंडिकेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं थ्रोम्बोलाइसिस के एब्सोल्यूट इंडिकेशन और रिलेटिव इंडिकेशन एब्सोल्यूट इंडिकेशन क्या क्या है एक तो पिछले तीन महीनों के अंदर रिसेंट स्मिक स्ट्रोक की हिस्ट्री हो प्रायर इंट्राक्रनियल हेमरेज की हिस्ट्री हो सस्पेक्टेड एओर्टिक डाइसेक्शन हो सीवियर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो एक्टिव इंटरनल ब्लीडिंग हो नॉन सेरेबरल आर्टीरियोविनस मालफॉर्मेशन या फिर नियोप्लाज्म या एनोरिज्म हो और लेस देन थ्री मंथ मतलब पिछले तीन महीनों में हेड इंजरी की हिस्ट्री हो तो ये सारे एब्सोल्यूट कॉन्ट्रेडिकेशनस है वहीं अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन वन एटी एम एम एच जी हो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन वन एटी एम एम एच जी और डायस्टोलिक जो है मोर देन वन वन जीरो हो तो वो रिलेटिव कॉन्ट्राइडिकेशन है अगर पिछले तीन महीनों से ज़्यादा में प्रीवियर जो प्रीवियस थ्री मंथ्स है उससे बाद में अगर मतलब देखो अगर तीन मंथ से कम में रिसेंट स्टमिक स्ट्रोक है तो वो एब्सोल्यूट एबसोल्यूट इंडिकेशन है अगर उसको तीन महीने से ज़्यादा हो गया है तो वो रिलेटिव इंडिकेशन में आता है मेजर सर्जरी हुई हो कोई पिछले तीन वीक में तो वो रिलेटिव इंडिकेशन है रिसेंट इंटरनल हेमरेज देखो दोनों में डिफरेंस है ये क्या है दिस इज़ एक्टिव इंटरनल ब्लीडिंग और ये रिसेंट इंटरनल हेमोरेज दोनों में डिफरेंस अगर एक्टिव है तो वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडेशन है अगर रिसेंट है रिसेंट इंटरनल हेमरेज हुआ है कब विद इन टू टू फोर वीक्स में तो वो रिलेटिव है प्रोलोंग्ड सी पी आर सी पी आर कितना अगर टेन मिनट से ज़्यादा उस पेशेंट को सी पी आर मिला है अभी रिसेंटली तो वो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडेसन में आता है करंट यूज ऑफ एंटीकोगुलेंट्स नॉन कंप्रेसिबल वेस्कुलर पंक्चर्स नॉन कंप्रेसिबल वेस्क्यूलर पंक्चर्स तो ये रिलेटिव कॉन्टाइंडिकेशन हैं अब हम देखते हैं कि एम के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं तो एम आई की कॉम्प्लिकेशन में कार्डियोजेनिक शॉक है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है एडिद्मिया हो सकते हैं कार्डियक टेम्पोनेड हो सकता है वेंटिकुलर रपच्चर हो सकता है वेंटिकुलर एन्यिज्म हो, हो सकता है और ड्रेसलर सिंड्रोम होता है तो हम एक एक करके सबके बारे में देखते हैं देखो क्या होता है कि इस्केमिक एरिया को लार्ज स्केमिक एरिया की वजह से टिश्यू डेथ हो जाता है और जो हर्ट है वो प्रॉपरली कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता है देर इज़ कॉम्प्रोमाइज इन कॉन्टेक्टिबिलिटी ऑफ हर्ट उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट है वो भी एडिक्वेट नहीं होता है तो होता क्या है लेफ्ट वेंटिकुलर का डिसफंक्शन हो जाता है लेफ्ट वेंटिकुलर का डिस्फंक्शन हो जाता है उसकी वजह से पम्प फेलियर हो जाता है क्या हो जाता है पम्प फेलियर तो जो एडिकुट कार्डिक आउटपुट नहीं हो पाता है तो ये जो अपना कार्डियोजेनिक शॉक है इट इज मोस्ट कॉमन कॉज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एम आई पेशेंट इन एम आई पेशेंट वाइल हॉस्पिटलाइज्ड मतलब अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है और मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा डेथ का तो वो होता है कार्डियोजेनिक शॉक ठीक है तो इसमें हम ट्रीटमेंट क्या देंगे पेशेंट को इसमें हम नॉर दे सकते हैं डोपामिन देंगे और डोब्यूटामिन देते हैं नॉर एपिनेफरिन डोपामिन और डोब्यूटामिन अगर इनसे भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है देन पेशेंट इज इन रिफ्रैक्ट्री कार्डियोजेनिक शॉक इफ पेशेंट इज नॉट इम्प्रूविंग विद नॉर एपिनेफरिन डोपामिन और डोब्यूटामिन देन पेशेंट इज इन रिफ्रैक्टरी कार्डियोजेनिक शॉक क्ट्री कार्डियोजेनिक शॉक के लिए हम इंट्रा एयोटिक बलून पंप करते हैं इंट्रा बलून पंप ठीक है अब हम देखते हैं अब हम देखते हैं एरिदमिया ठीक है नहीं उससे पहले हम देख लेते हैं कंजेस्टिव फेलियर तो कंजेस्टिव फेलियर में क्या होता है उसमें जो है डिक्रीज इजेक्शन फ्रैक्शन होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्योंकि पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड जो हार्ट है वो ब्लड जो है पंप नहीं कर पा रहा है अगर ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है तो कंजेशन हो रहा है सो दिस विल लीड टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड दैट कैन लीड टू कार्डियोजेनिक शॉक ठीक है तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी क्या कॉज कर सकता है कार्डियोजेनिक शॉक अब हम देखते हैं एरिदिया के बारे में तो नाइन्टी परसेंट ऑफ पेशेंट डेवलप सम फॉर्म ऑफ एरि इन एम आई नाइनटी परसेंट पेशेंट्स को किसी फॉर्म का एरिदिया हो ही जाता है एम आई में ठीक है अब जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इट इज मोस्ट डेडली मोस्ट डेडली एरिदिमिया एरिदिमिया पोस्टेम आई ठीक है इट इज मोस्ट डेडली एरिदिमिया पोस्टेम आई एंड एरिदिमियाज आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एम आई पेशेंट आउटसाइड हॉस्पिटल आउटसाइड हॉस्पिटल देखो अब हमने दो चीज देख ली दो क्वेश्चन यहां पे हमने पढ़े हैं बहुत जरूरी कि अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है कार्डियोजेनिक शॉक ठीक है लेकिन जो आउटसाइड हॉस्पिटल पेशेंट है एम के उनमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है एरिदमिया एरिदमिया ठीक है अब देखो अब हम क्या देख रहे हैं कि पेशेंट है एक एम का उसमें हमें पता चला है कि वेंटिकुलर फिब्रिलेशन है ठीक है अब वेंटिकुलर फिब्रिलेशन में लेस देन वन आवर मतलब जो फर्स्ट आवर है फर्स्ट आवर इन वेंटिकुलर फिब्रिलेशन इज गोल्डन पीरियड गोल्डन पीरियड अगर वेंटिकुलर फिब्रिलेशन के स्टार्ट होने के पांच मिनट के अंदर अंदर हमें पता चल जाता है या फिर विद इन फाइव मिनट्स ऑफ ऑन सेट ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वी विल गिव टू हंड्रेड जूल्स बाईफेजिक डिशी शॉक एंड इफ इट इज मोर देन फाइव मिनट्स ऑफ स्टार्ट ऑफ वेंटिकुलर फिब्रिलेशन

उससे हम क्या देंगे हम टू हंड्रेड जूल्स का डीसी शॉक देंगे जो बाईफेजिक होगा ठीक है तीसरा हम क्या दे सकते हैं देर इज इट कॉम्बिनेशन ऑफ सी पी आर डी सी शॉक विच कैन बी रिपीटेड फॉर थ्री टाइम्स एंड ऑल्सो वी कैन गिव आई वी एड्रिने लिन समवेयर आई वी is given as substitute for adrenaline, substitute for adrenaline. ठीक है तो एक तो हमने देखा ventricular fibrillation, दूसरा हमें क्या देखने को मिल सकता है मोबिड्स टाइप टू heart ब्लॉक मोबिड्स टाइप टू हर्ट ब्लॉक ठीक है इसमें क्या होगा देर इज सुपरा नोडल सुपरा नोडल ब्लॉक होगा एंड इट इज़ हार्मफुल क्यों बिकॉज इट कैन लीड टू कम्प्लीट हर्ट ब्लॉक इट कैन लीड टू कम्प्लीट हर्ट ब्लॉक वी कैन सी वाइड क्यू आर एस इन ई सी जी वी कैन सी वाइड क्यू आर एस इन ई सी जी थर्ड इज वेंट्रिक्यूलर वेंट्रिक्यूलर टैकी कार्डिया वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। इट हैपन्स आफ्टर ट्वेल्व आवर्स ये जो होता है ये बारह घंटे के बाद होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एक्टोपिक फोकस अब देखो क्या हुआ है कि जो सेल्स जो मर चुके हैं दे एक्टेस, एक्टोपिक फोकस या फोकस तो वो क्या करते हैं वो अपना खुद का जो है Focus बन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देना स्टार्ट कर देते हैं तो जो वेंट्रिकुलर रेट है वो तो चल रही है टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड पर मिनट जो है देर विल बी डिसोसिएशन, एट्रियो एट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन ठीक है तो ईसीजी पे हमें क्या देखने को मिलेगा इसी जी पे हमें रेबिड ईयर अपियरेंस रेबिड ईयर अपियरेंस या फिर एम शेप्ड अपियरेंस ठीक है रेबिड ईयर अपियरेंस या फिर एम शेप्ड अपियरेंस साथ में हमें देखने को मिलता है ब्रोड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ठीक है ब्रॉड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहा है देखो जो वेंट्रिकुलर है वो एक्टिपस फोकाई के ऊपर काम कर रहा है तो इसके अंदर जो अब कंडक्शन हो रहा है वो इंटर मायोसाइट कंडक्शन हो रहा है इंटर मायोसाइट कंडक्शन हो रहा है विच इज स्लोअर देन नॉर्मल कंडक्शन ऑफ हार्ट तो क्यू आर एस जो है वो ब्रॉड मिलेगा आपको ठीक है अब ट्रीटमेंट के लिए क्या है देखो वेंट्रिकुलर टैकी ट्रीटमेंट में अगर स्टेबल विटी है वेंट्रिकुलर टेकि कार्डिया में पेशेंट पल्स प्रेजेंट है और पेशेंट इज स्टेबल देन वी, वी कैन गिव हिम लिग्नोकेन या फिर एम्योडारोन लिग्नोकेन या फिर एम्योडारोन वहीं अगर इट इज पेशेंट पल्सलेस है दैट इज वेंटिकुलर पल्सलेस वेंटिकुलर टैकी कार्डिया देन वी विल गिव टू हंड्रेड चूल बाईफेजिक बाईफेजिक डिशीज शॉक जिसको हम कार्डियो वर्जन भी कहते हैं कार्डियोवरजन ठीक है अगर वेंटिकुलर टैकी कार्डिया को फोर्टी एट आवर्स से ज़्यादा हो गया है देन वी विल डू आई सी डी इम्प्लांटेशन आईसीडी इम्प्लांटेशन ठीक है अब नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है कार्डियक टेम्पोनेट कार्डियक टेम्पोनेट अब देखो नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूड कितना होता है हमारे हार्ट के अराउंड नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूड जो होता है वो ट्वेंटी टू फिफ्टी एम होता है ट्वेंटी टू फिफ्टी एम होता है लेकिन अब जो हर्ट है उसमें क्या हुआ देर इज रप्चर ऑफ वेंटिकुलर वॉल रप्चर ऑफ वेंटिकुलर वॉल देर इज रपच्चर ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल विच में लीड टू कार्डियक टेम्पोनेट कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है तो क्या हुआ कार्डिय टेम्पोनेट में जो पेरिकार्डियल फ्लोइड है पेरिकार्डियल फ्लोइड है वो इंक्रीज़ हो गया है वो इंक्रीज़ हो गया है इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर के प्रेशर से बढ़ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर से जो इंट्रा पेरिकार्डियल कार्डियल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा अब देखो जैसे कि ये हार्ट है अगर इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर बढ़ गया है तो क्या होगा हार्ट का चैम्बर जो है अंदर की साइड पुश होगा तो एक क्या होगा जो डायस्टोलिक जब जो अपना हार्ट है डायस्टोल हो रहा है वो प्रॉपरली डायस्टोल नहीं हो पा रहा है ठीक है वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पा रहा है तो लेफ्ट एंटिकोल एंड डायस्टोलिक प्रेशर कम प्रेश। हो जाएगा उसकी वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा क्यों क्योंकि कार्डियक आउटपुट क्या है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम है तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा दैट विल लीड टू डिक्रीज बी पी देट विल लीड टू डिक्रीज बी पी तो इसमें हमें बैक ट्राइड देखने को मिल सकता है क्या देखने को मिल सकता है बैक्स ट्राइड तो बैक्स किस में दिखता है कार्डियक टेम्पोनाइड में क्या होता है ये इसमें हाइपोटेंशन होता है दूसरा डिस्टेंडेड नेक वेंस दिखने को मिलती है नेक वेंस दिखने को मिलती है और हर्ट के अराउंड जो फ्लूड है उसकी वजह से मफल्ड हर्ट साउंड सुनाई देते हैं मफल्ड हर्ट साउंड ऑन अस्कल्ट ऑन अस्कल्टेशन ठीक है अब हम देखते हैं कार्डियक जो वेंट्रिकुलर रप्चर है उसके बारे में अब हम देखते हैं वेंट्रिकुलर रप्चर के बारे में अब देखो क्या हुआ कि जो इम्यून सेल्स है हमारे शरीर के वो जो डेब्रिस है डेड सेल्स का उसको रिमूव करेंगे सो व्हेन इम्यून सेल्स रिमूव द डेब्रीट द एरिया बिकम्स वीकेंड जो एरिया जहाँ से रिमूव किया वो वीक हो जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पे वीक होने की वजह से वो रप्चर कर जाता है वीक होने की वजह से रप्चर कर जाता है तो इंट्रावेंटिकुलर जो सेप्टल है वो भी रप्चर क्या कर सकती है मतलब जो इंट्रावेंटिकुलर अगर सेप्टल एम है तो वहाँ से अगर डेपरी सटाएंगे तो इंट्रावेंटिकुलर सेप्टल जो है वो रप्चर हो जाएगी दैट विल लीड टू राइट टू लेफ्ट शंट और अगर फ्री वॉल रप्चर है अगर फ्री वॉल रप्चर है तो हमने देखा कि कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है या पेरी कार्डियल हो सकता है पेपिलरी मसल्स का अगर रप्चर हो जाए अगर पेपिलरी मसल्स का रप्चर हो जाए तो एक्यूट मिटल रजिकजिटेशन हो जाएगा ठीक है एक्यूट मिटल रिगर्जिटेशन हो जाएगा तो हम वेंटिकुलर जो रप्चर है उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या हो जाएगा देखो मान लो सेप्टल एम है सेप्टल एम है वहाँ पर जो इम्यून सेल्स हैं उन्होंने डेब्रिज सटाया तो इट विल लिव टू सेप्टल रप्चर तो उसकी वजह से राइट टू लेफ्ट शंट हो जाएगा वहीं अगर जो हमारे वॉल है वेंट्रिकुलर वॉल है उसमें रपच्चर हो जाए वेंट्रिकुलर वॉल में रपच्चर हो जाए तो दैट कैन लीड टू कार्डियक टेम्पोनेड और अगर वहीं जो हमारे पेपिलरी मसल्स है वो इन्वॉल्व है तो इट विल लीड टू एक्यूट मिट्रल रीगर्जिटेशन एक ठीक है अब हम देखते हैं वेंटिकुलर एन्यूरिज्म के बारे में वेंटिकुलर एन्यूरिज्म के बारे में देखो वेंटिकुलर एन्यूरिज्म में जो है हमें इकोपे ब्रॉड नेक दिखाई देगी क्या देखी ब्रॉड नेक ऑन इको परसिस्टेंट एस टी एलिवेशन अब देखो थ्रोम्बोलाइसिस होने के बाद भी अगर एस टी एस टी एलिवेशन दिखता है परसिस्टेंट एस टी एलिवेशन इवन आफ्टर थ्रोम्बोलाइसिस परसिस्टेंट एस टी एलिवेशन इवन आफ्टर थ्रोम्बोलाइसिस इज सजेस्टिव ऑफ वेंटिकुलर एन्यिज्म ठीक है ये क्यों होता है इट इट इज ऑल्सो ड्यू टू द वीक वेंटिकुलर वॉल इट ऑकर्स ऑल्सो एज ए रिजल्ट ऑफ वीकेंड वेंटिकुलर वॉल एंड दिस कैन लीड टू स्ट्रोक दिस कैन लीड टू स्ट्रोक हर्ट फेलियर और एरिद्यास स्ट्रोक कैसे कॉज करता है देखो जो वेंटिकुलर वॉल है वो एन्यिज्म हो गई मतलब बाहर निकल गई है तो इसमें क्या होगा देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ म्यूरल म्यूरल थ्रोम्बस अब ये जो थ्रोम्बस है ये टूट के एम्बोलाई बन जाएगा एंड इट कैन गो टू द सेरेब्रल और अवर हेड सर्कुलेशन विच विल लीड टू स्ट्रोक विच विल लीड टू स्ट्रोक ठीक है अब इसका जो परसिस्टेंट हमने क्या देखा परसिस्टेंट एलिवेशन इवन आफ्टर थ्रोम्बोलाइसिस अगर थ्रोम्बोलाइसिस के बाद भी परसिस्टेंट एलिवेशन है देन इट इज सजेस्टिव ऑफ किसका सजेस्टिव है इट इज सजेस्टिव ऑफ वेंट्री एन्यूरिज्म ठीक है अब हम ट्रीटमेंट क्या देंगे इसमें हम ट्रीटमेंट देंगे वॉरफेरिन या फिर साथ में हम देंगे इंजेक्शन हिपेरिन टू फॉर्म टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट विथ सर्जरी और पर क्यूटेनियस रिपेयर सर्जरी और पर क्यूटेनियस रिपेयर ठीक है अब हम आते लास्ट जो कॉम्प्लीकेशन है वो ड्रेसलर्स सिंड्रोम ड्रेसलर्स सिंड्रोम इट इज एन ऑटो इम्यून कॉम्प्लीकेशन ये क्या है ऑटो इम्यून कॉम्प्लिकेशन इट इज एन ऑटो इम्यून

तो ये एक लेट कॉम्प्लिकेशन है कब होता है इट इज मोस्टली सीन थ्री टू एट वीक्स पोस्ट एम आई थ्री टू एट वीक्स पोस्ट एम आई इट इज ऑटोमियन ऑन एग्जामिनेशन वी विल सी पेरी कार्डियल फ्रिक्शन रब ऑन एग्जामिनेशन वी विल हियर बाय एस्कल्टेसन पेरी कार्डियल फ्रिक्शन रब ऑन ई सी जी ई सी जी क्या देखेगा एस टी एलिवेशन इन ऑल लीड्स एस टी एलिवेशन इन ऑल लीड्स एक्सेप्ट एवीआर एक्सेप्ट ए वी आर ए वी आर में एस टी डिप्रेशन देखने को मिलता है ठीक है क्या देखा हमने इसी जी में इन ई जी ऑफ ड्रेसलेस सिंड्रोम देर इज एस टी एलिवेशन इन ऑल लीड्स एक्सेप्ट एवीआर इन एवीआर इट शोज एस टी डिप्रेशन ठीक है अब ड्रॉप आई ड्रॉप आई जो है या तो वो नॉर्मल रहेगा या फिर इंक्रीज भी हो सकता है नॉर्मल या फिर इंक्रीज तो ड्रॉप आई जो है वो नॉर्मल भी हो सकता है या फिर इंक्रीज भी हो सकता है ठीक है तो हम ट्रीटमेंट क्या देंगे इसके ट्रीटमेंट में हम देंगे एस्पिरिन 650 फिफ्टी एम इसमें हम एस्पिरिन का डोज बढ़ा देते हैं हम देते हैं एस्पिरिन थ्री डेज विथ और विदाउट एन एस एड्स एनएस विद और विदाउट एनएस अब देखो लास्ट एक और हम देखते हैं इसका कॉम्प्लीकेशन दट इज वेल्यूलर डेमेज हमने पढ़ा भी है ऊपर वेल्यूलर डेमेज क्या होता है कि जो हमारे पैपुलर पैपुलरी मसल्स है उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इसकीमिया की वजह से या एम आई की वजह से जो पेपिलरी मसल्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो दैट विल्व इज मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन देर इज मिट्रल रिगर्जिटेशन ओके सो क्लिनिकल फीचर क्या हो क्लिनिकल फीचर जो होंगे वो दिखेंगे हम लेफ्ट पेंटिकुलर फेलियर के विथ मर्मर विथ मर्मर तो हमें लेफ्ट रेंटिकुलर फेलियर के क्लिनिकल फीचर दिखेंगे विद मार्मर ठीक है तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है इसमें इस हमने पढ़ा है स्टेबल एंजाइना अनस्टेबल एंजाइना एन स्टेमी और स्टेमिक के बारे में स्टेबल एंजाइना क्या है एंजाइना पेन डिवेलप वेन देर इज इंक्रीज डिमांड इन सेटिंग ऑफ स्टेबल एथेरिक प्लेक द वेसल इज अनेबल वेसल इज अनेबल टू डायलेट इनफ टू अलो एडिक्वेट फ्लो टू मीट द मायोकाडिल डिमांड ठीक है देखो ये अपनी ब्लड वेसल है इसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक जम गया है तो जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो कम हो गया बट इसमें जो प्लेक है वो स्टेबल है ठीक है स्टेबल है तो जो ब्लड जा रहा था वो पहले उससे कम हो गया है तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है डिमांड और सप्लाई का मिसमैच डिमांड और सप्लाई का मिसमैच होता है इसकी ई जो है वो नॉर्मल है एक स्टेबल एंजाइना की ई सी जी इज नॉर्मल एंड इवन कार्डिय बायोमार्कस दैट इज ट्रोपनिंग्स आर नॉर्मल ट्रोपोनिंगस आर नॉर्मल इन अनस्टेबल एंजाइना देर इज ए प्लैक विच गेट्स रपच्चर्ड प्लैक रपच्चर हो गया तो देर विल बी थ्रम्बस फॉर्मेशन अराउंड द रपचर्ड प्लैक कॉजिंग पार्शियल ऑक्लूजन ऑफ द वेसल एंजाइना पेन ऑकर्स एट रेस्ट और प्रोग्रेसिस रेपिडली ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ठीक है हमने स्टेबल एंजाइना में देखा था जो पेन था वो कब था एक्शन के दौरान वहीं अनस्टेबल एंजाइना हमने क्या पढ़ा था पेन जो है रेस्ट पे भी हो सकता है और इस हमने देखा था इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है वो बढ़ती है पेन की जो फ्रीक्वेंसी है और इंटेंसिटी वो बढ़ती है और ईसीजी पे हमें क्या देखने को मिल सकता है ईसीजी नॉर्मल भी हो सकती है देर कैन बी इन्वर्टेड टी वेव्स और एस टी डिप्रेशन एस टी डिप्रेशन और अनस्टेबल एंजाइना और स्टेबल एंजाइना दोनों में जो कार्डियक बायोमार्कर्स है वो नॉर्मल होते हैं तो वी कैन लाइक जब पेशेंट आता है हमारे पास चेस्ट पेन का तो इसके बेसिस पे हम पेशेंट को जो है डिवाइड कर सकते हैं कि एंजाइना का पेशेंट है या फिर एम आई का पेशेंट है क्योंकि एम में जो कार्डियक बायोमार्कर्स है वो एलिवेटेड होते हैं एम में में बायो बायोमार्कर्स जो है वो एलिवेटेड होते हैं वहीं जो एंजाइना है उसमें कार्डियक बायोमार्कर्स नॉर्मल रहते हैं ठीक है अब एनिस्टमी में देखते हैं एनिस्टेमी में क्या है ड्यूरिंग एन एनिस्टेमी द प्लेक रप्चर एंड द थ्रोम्बस फॉर्मेशन पार्शियल ऑक्लूजन ऑफ तो टू द दे दैट्स दैट देट लीड्स इन द इंजरी एंड इनफैक्ट टू द सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियम एनिस्टेमी में जो है वो सब एंडोकार्डियल जो है मायोकार्डियम है वो इन्वॉल्व होती है ठीक है तो देखो दो तरह के इन्फैक्ट हो सकते हैं दो तरह के इन्फैक्ट हो सकते हैं सब एंडोकार्डियल और ट्रांस म्यूरल सब एंडोकार्डियल और ट्रांस म्यूरल सब एंडोकार्डियल लीड टू एनस्टेमी वहीं ट्रांस म्यूरल लीड टू स्टेमी स्टेमी एस टी एलिवेशन एप ठीक है देखो अब एन में क्या होता है नाम से भी हम देख सकते हैं देर इज़ एस टी डिप्रेशन इन देर इज एस टी डिप्रेशन इन ई सीजी नॉर्मल या इन्वर्टेड टी वेव्स भी देखने को मिल सकता है बट एस टी डिप्रेशन मोस्टली देखने को मिलता है वहीं स्टेमी में क्या हुआ देर इज कम्प्लीट ऑक्लूजन ऑफ ब्लड वैसल ल्यूमन जो ल्यूमन है उसका कम्प्लीट ऑक्लूजन हो जाता है और जो इन्फेक्ट है वो ट्रांसम्यूरल है ट्रांसम्यूरल इन्फैक्ट मतलब पूरी लेयर को इन्वॉल्व करता है मायोकार्डियम की अब देखो इसमें हमें ईसीजी चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं देर इज हाइपर एक्यूट टी वेव्स एंड एस टी एलिवेशन सबसे पहले हमने देखा था इसीजी में फर्स्ट फाइंडिंग क्या है हाइपर एक्यूट टी एक और वो क्या है एस टी एलिवेशन इज कॉन्वेक्स अपवर्ड्स कॉन्वेक्स अपवर्ड्स तो हमने क्या देखा था इसमें कौन से साइन था एक एक तो था अपना टॉम स्टोन पैटर्न ठीक है दूसरा क्या था एक तो अपना था टॉम स्टोन पैटर्न क्योंकि ऊपर कन्वेक्स है दूसरा दूसरा था पार्डी साइन पार्डी साइन ठीक है और हम देखते हैं कि जो स्टेमिया एंड स्टेमी या दोनों में ट्रोपोनिन्स जो है कार्डिय बायोमार्कस जो है वो क्या होते हैं एलिवेटेड एलिवेटेड ठीक है सो so, यहाँ पे हम हमारा लेक्चर कंक्लूड करते हैं एम का थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर चैनल द नेक्स्ट डॉक्टर काइंडली सब्सक्राइब कमेंट Like and share. Thank you.